हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का हमारा थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। सो यहाँ पे दो पार्ट्स बनेंगे। पार्ट नंबर वन में हम मिनरल के बारे में डिटेल में देखेंगे और पार्ट नंबर टू में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के ऊपर आपको 6 से लेकर 12th तक के सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। साइंस 7 से लेकर 10th तक, स्पोकन कोर्स, गवर्नमेंट एग्जाम सभी की वीडियो यहाँ पे बन चुकी है प्लेलिस्ट के साथ। तो जाके चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके हम मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल में उनके मीनिंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर जाती है, उन्हें बोला जाता है कंडक्टर। दूसरा यहाँ पे है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल किसे बोलते हैं? जो यहाँ पे बहुत लंबे समय से हम उसका कॉमनली इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, काफी लंबे समय से हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये कन्वेंशनल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग। ड्रिलिंग क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे कि यहाँ पे जो बहुत बड़े यहाँ पे जो वेल्स होते हैं उनको खोदा जाता है, ठीक है, अंदर से मिनरल्स को निकालने के लिए। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या होता है? जो अवशेष होते हैं, अवशेष प्लांट्स के, एनिमल्स के, जो यहाँ पे धरती के नीचे दफन हो चुके हैं बहुत लाखों सालों पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे धरती के नीचे यहाँ पे बहुत सारे अवशेष यहाँ पे दबे हुए हैं धरती के नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेशर और हीट की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए? ये कोल में कन्वर्ट हो गए और पेट्रोलियम, ठीक है। सो आपको ऐसे में ये देखने को मिलेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे इनके बारे में। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है जब पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे टर्बाइन होते हैं, ठीक है। सो उनके ऊपर पानी गिरता है, फिर वो घूमते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। मिनरल्स। मिनरल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो धरती के नीचे पाए जाते हैं। माइनिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से मिनरल्स को निकाला जाता है धरती में से, ठीक है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, जस्ट बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिली। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी यहाँ पे केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है। सो जिन्हें मिनरल्स बोला जाता है। मिनरल्स कभी भी हमेशा ये प्योर फॉर्म में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन्हें यहाँ पे प्योर बनाना पड़ता है, रिफाइनरी वगैरह जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, आगे चल के हम गो थ्रू होंगे इन सभी से। सो ऐसे में जो मिनरल होते हैं कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे। सो ये जो मिनरल्स होते हैं मेनली जो एक पर्टिकुलर एरियाज होते हैं इनके, ठीक है, या रॉक फॉर्मेशन, सो इनसे यहाँ पे ये मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो मिनरल्स जो ये नेचुरल प्रोसेस से मिलके बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होती, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ह्यूमंस के द्वारा ये मिनरल्स को बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे ये सारा नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि धरती के नीचे यहाँ पे जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है, जो उनके अवशेष होते हैं वो धरती के नीचे उनसे यहाँ पे बनते हैं ये, ठीक है। सो इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इन बेसिस के ऊपर इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कलर, डेंसिटी, ये वो कितना ज्यादा हार्ड है, केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सॉलिबिलिटी, ठीक है, किस प्रकार की है। सो इस बेसिस के ऊपर यहाँ पे मिनरल्स को डिफाइन किया जाता है, पता लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक मिनरल है ट्रैंकुलाइट। सो यहाँ पे ये जो मिनरल है मेनली ये जो मून, जो चंद्रमा की जो चट्टाने होती है वहां पे पाया जाता है, या जो मेट्रोइड्स होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, ठीक है, जिन्हें शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, मेनली वहां से ये वहां पे पाए जाते हैं। लेकिन ये अभी रिसेंटली धरती पे भी पाए गए हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, ट्रैंकुलाइट। सो यहाँ पे ये जो मिनरल्स होते हैं इनका जो इस्तेमाल किया जाता है वो एज डेटिंग ऑफ रॉक्स के, मतलब कि जैसे बहुत पुरानी जो रॉक्स होती हैं उन्हें पता लगाने के लिए कि कितने लाखों या करोड़ों साल पुरानी है, ठीक है। सो ऐसे में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो मिनरल आगे दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और मेटालिक है जो वो भी दो प्रकार का देखने को मिलेगा, फेरस एंड नॉन फेरस। सो चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले टाइप्स जो मिनरल्स की, यहाँ पे मोर देन 3000 अलग अलग मिनरल्स यहाँ पे
पाए जाते हैं, जिनकी अभी तक खोज की जा चुकी है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन मिनरल्स को दो प्रकार में, यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स मेनली इनमें रॉ फॉर्म जो मेटल होती है वो रॉ फॉर्म में होती है, मतलब कि जो कच्ची धातु होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको प्योर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, प्योर फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। रॉ फॉर्म में देखने को मिलेंगे, मतलब कि कच्ची फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सभी क्या है, मेटालिक मिनरल्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स, यहाँ पे जो ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वहां पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो मिनरल्स होते हैं वो काफी ज्यादा सख्त होते हैं और चमकते हैं, ये शाइन करते हैं। अब यहाँ पे इनकी क्या क्या एग्जाम्पल है, जैसे आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ठीक है, जो और होती है। So, ये कुछ एग्जाम्पल है। आगे जो मेटालिक मिनरल्स है ये भी दो प्रकार का देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज फेरस मिनरल्स। फेरस यहाँ पे जिनमें आयरन की मात्रा होती है उसे बोला जाता है फेरस मिनरल्स, जिनमें आयरन की मात्रा नहीं होती उनको नॉन फेरस मिनरल्स बोला जाता है। अब फेरस जो मिनरल्स होते हैं इसमें आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। नॉन फेरस जो फेरस मिनरल्स होते हैं इनमें जो अदर मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल्स नहीं होते हैं ऑब्वियस वो क्या होंगे, नॉन मेटालिक होंगे, जैसे लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम। तो मिनरल्स यहाँ पे जो कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये जो मिनरल्स होते हैं नॉन मेटालिक, ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे जस्ट बेसिक डेफिनेशंस है, इसमें इतना कुछ है नहीं, जस्ट आप लोगों ने सिंपल डेफिनेशन लिखनी है और एक दो यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल्स लिख देना कि किस प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। आगे हम डिटेल में भी देखेंगे इनके बारे में। सो मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट, कैसे निकाला जाता है धरती में से, हम ये भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो मिनरल्स को जो निकालने का काम होता है धरती में से, इसको बोला जाता है माइनिंग। ये प्रोसेस क्या होता है, माइनिंग प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे जो मिनरल्स को निकाला जाता है धरती में से, ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है माइनिंग, एक होता है ड्रिलिंग और एक होता है क्वारिंग। अब यहाँ पे जो माइनिंग होता है ये आगे दो प्रकार का होता है, एक होता है यहाँ पे ओपन कास्ट माइनिंग और एक होता है शाफ्ट माइनिंग। क्लियर है? सो यहाँ पे ये टेबल आप लोगों ने याद रखना है। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वारिंग क्या होता है। सो मिनरल्स यहाँ पे जो सरफेस के नजदीक ही पाए जाते हैं, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं होती धरती की, धरती में ये सरफेस के नीचे ही यहाँ पे मिल जाते हैं जब इसको खोदा जाता है। सो इसको क्या बोला जाता है, क्वारिंग बोला जाता है। अब जैसा कि यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है आपको कि धरती की जो यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर है, जब उसको यहाँ पे खोदा जाएगा तब यहाँ से मिनरल्स को निकाला जाएगा। सो इसको क्या बोला जाता है, क्वारिंग बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे ये जो मशीनरीज है, यहाँ पे धरती की जो टॉप लेयर होती है, सरफेस होती है, उसको खोद कर मिनरल्स निकाले जा रहे हैं। क्लियर है? सो यहाँ पे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा। सो उसके ऊपर यहाँ पे नोट्स आप देख सकते हैं, अगर पीडीएफ फाइल्स भी परचेज कर सकते हैं अगर करना चाहो तो, और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको फोन नंबर गिवन है, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं। सो माइनिंग के बारे में तो हमने देख लिया था, इसके आगे जो दो टाइप्स है, ठीक है। सो मेनली क्या होता है, यहाँ पे जो अर्थ सरफेस से जो मिनरल्स को निकाला जाता है, ठीक है, उसको माइनिंग बोला जाता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, एक शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो मिनरल्स को, जो मिनरल्स ऑर्स होती हैं, जो कच्ची धातुएं होती हैं, वो मेनली यहाँ पे इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे खोदना पड़ता है जो सरफेस लेयर होती है, उसके बाद यहाँ पे मिनरल्स को निकालना जाता है। सो यहाँ पे याद रखना, ज्यादा नीचे तक नहीं जाएंगे, ओपन कास्ट माइनिंग। सो इसे ओपन पिट या ओपन कास्ट माइनिंग बोला जाता है, ठीक है। ओपन पिट, पिट क्या होता है, यहाँ पे जो खड्डा जो होता है, ठीक है। अब जैसे इसे भी डायग्राम में देख लेते हैं। सो ओपन कास्ट माइनिंग में ही ये देखो, जैसा यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ, सो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे नीचे तक इसे खोदा जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाएगा, ओपन पिट माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। सो यहां से मिनरल्स को निकाला जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा। क्लियर है?
सो नेक्स्ट है यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो मिनरल्स डिपॉजिट्स होते हैं वो यहाँ पे धरती की सतह के नीचे पाए जाते हैं। सो यहाँ पे बोर जो होते हैं, ठीक है, उनकी मदद से यहाँ पे काफी नीचे तक इन्हें खोदा जाता है शाफ्ट की मदद से। सो इसलिए इसे शाफ्ट माइनिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसे डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम ये वाली देखो, तो यहाँ पे जो शाफ्ट की मदद से इसे काफी नीचे तक यहाँ पे खोदा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे लेके ऊपर जाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ से ये शाफ्ट माइनिंग की कैटेगरी आती है। सो यहाँ पे सेकंड डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग की मदद से पहले यहाँ पे शाफ्ट माइनिंग की मदद से खोदा जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे जाते हैं, सो नीचे जाके यहाँ पे रास्ते बनाए जाते हैं। सो ऐसे में ये जो मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं अलग अलग तरह के, उन्हें वो ऊपर लेके आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे गैलरी वगैरह लगी होती है। तो आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा इसके बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पे ड्रिलिंग। सो ड्रिलिंग यहाँ पे जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ पे ये धरती की सतह के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। सो इन्हें ड्रिलिंग की मदद से बाहर निकाला जाता है। सो डीप वेल्स यहाँ पे खोदे जाते हैं, सो इसकी मदद से यहाँ पे इनको निकाला जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, ड्रिलिंग बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो ड्रिलिंग, जैसे यहाँ पे ये मशीनरी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे ये धरती की सतह के नीचे यहाँ पे इसे ड्रिल किया जाएगा और यहाँ पे जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये निकाले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे समुद्रों में भी पाई जाती है, ठीक है, इसको हम देखेंगे पार्ट नंबर 2 में डिटेल में। अभी इतना ही सफिशेंट आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो मिनरल्स यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि ऐसे नहीं होगा कि जैसे इंडिया की बात करें हम, इंडिया में आपको इसी जगह पे बहुत सारा सोना मिल रहा है, यहाँ पे आयरन और मिल रही है, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, यहाँ पे सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया में आपको यहाँ पे गोल्ड मिल गया, ठीक है, अफगानिस्तान में आपको यहाँ पे कॉपर की ज्यादा मात्रा मिल गई, चाइना में यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कॉपर की ज्यादा मात्रा मिल रही है। सो ऐसे यहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि आपको एक ही जगह पे नहीं देखने को मिलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं ये अलग अलग जो टाइप्स की रॉक्स होती हैं उनमें मेनली पाए जाते हैं। सो जैसे मेटालिक मिनरल्स में जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये पाए जाते हैं, जो ओल्ड प्लेट्यूज होते हैं, जो मेनली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के मिलके बने होते हैं, जो प्लेट्यूज वहां पे ज्यादातर ये सभी जो मेटालिक मिनरल्स वो पाए जाते हैं। दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसमें जैसे लाइम स्टोन आ जाएगा, ये मेनली जो प्लेन एरियाज होते हैं या यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ये भी एक माउंटेन की कैटेगरी है। तो आई होप आप लोगों ने 6th या 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये मेनली सेडिमेंटरी रॉक्स के मिलके बने होते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स जैसे पेट्रोलियम और जो कॉयल, ठीक है, कोला हो गया, ये भी सेडिमेंटरी जो लेयर्स होती है वहां पे देखने को मिलता है। अब चलिए वन बाय वन सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। सो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। सो सबसे बड़ा एशिया, सो सबसे पहले हम एशिया के बारे में देखेंगे। सो यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे प्रमुख केंद्र है ये एशिया में मिनरल्स का। सो चाइना और इंडिया यहाँ पे बहुत ज्यादा आयरन और डिपॉजिट यहाँ पे मात्रा पाई जाती है। ऑब्वियस यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज भी बहुत ज्यादा ये, ठीक है। सो अब जैसे माइनिंग के लिए यहाँ पे लेबर चाहिए होती है, सो आसानी से यहाँ पे इंडिया और चाइना में आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट यहाँ पे पॉपुलेशन है। सो यहाँ पे ज्यादातर जो लोग होते हैं वो माइनिंग के कामों में लगे रहते हैं। सो कॉन्टिनेंट यहाँ पे जो प्रोड्यूस करता है 50% से भी ज्यादा आपको टीन देखने को मिलेगा यहाँ पे पूरे विश्व में, एशिया के अगर यहाँ पे बात की जा रही है। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पे ये लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टीन, यहाँ पे टीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ये जो 3 कंट्रीज हैं, चाइना में यहाँ पे लेड, एंटीमनी, टंगस्टन ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एशिया। इसके अलावा यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर ये सभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यूरोप, यूरोप यहाँ पे ये भी क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का अगर विश्व में देखा जाए तो। सो यहाँ पे जो कंट्रीज हैं
जिनमें जो आयरन ओर की मात्रा है यहाँ पे पाई जाती है बहुत ज्यादा, जैसे रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, तो ये मेनली कंट्रीज है यूरोप में जहाँ पे आयरन ओर की मात्रा पाई जाती है। सो मिनरल डिपॉजिट जैसे कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, लिंक, जो निकल हो गया, ये मेनली ईस्टर्न यूरोप हो गया और जो यूरोपियन रशिया हो गया यहाँ पे पाया जाता है। सो ग्राफ में भी हम देखेंगे, पहले एक बार जल्द से जल्द यहाँ पे सभी कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, सो मिनरल जो डिपॉजिट यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये मेनली तीन जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जोन है यहाँ पे कैनेडियन रीजन, जो यहाँ पे जो ग्रेट लेक है इसके नजदीक यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे अपलेशियन रीजन, तीसरा यहाँ पे है माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे तीन जो जोन्स हैं इसमें डिवाइड किया गया है, यहाँ पे जो मिनरल्स मेनली ज्यादातर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, ये जो कैनेडियन शील्ड रीजन है यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट ये पढ़ा था यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे जो अपलेशियन रीजन है यहाँ पे आपको मेनली कॉयल, ठीक है, जो कॉल है वो देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो वेस्टर्न कार्डिलेरा, ठीक है, जो कॉर्डिलेरा, यहाँ पे आपको ज्यादातर मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका में तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद साउथ अमेरिका की अगर बात करें, सो ब्राजील यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हाई ग्रेड आयरन ओर, पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सो यहाँ पे आयरन ओर की हाई जो ग्रेड की मात्रा है यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद जो चाइल और पेरू, यहाँ पे ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे कॉपर के यहाँ पे ये प्रमुख केंद्र है। ब्राजील, बोलीविया, सो यहाँ पे आपको टीन की मात्रा देखने को मिलेगी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूरे विश्व में यहाँ पे, ये जो मेनली दो कंट्रीज हैं। तो याद रखना, लास्ट में हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ टीन, यहाँ पे एशिया की बात, यहाँ पे पूरी कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है। कॉन्टिनेंट में यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो टीन की बात चल रही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे सिर्फ ये दो कंट्रीज की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे दो कंट्री, वहां पे पूरा कॉन्टिनेंट था। और साउथ अमेरिका, यहाँ पे जो लार्ज डिपॉजिट्स आपको गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीश, बॉक्साइड, मिका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस, डायमंड, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मिनरल ऑयल है, ये वेंजुएला, अर्जेंटीना, चाइल, पेरू, कोलंबिया, सो ये कुछ कंट्रीज है जहां पे मेनली पाया जाता है। उसके बाद अफ्रीका, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर डायमंड, गोल्ड, प्लेटिनम, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे, सो यहाँ पे आपको लार्ज पोर्शन में विश्व में जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो गोल्ड की मात्रा है। अदर मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो मेनली अफ्रीका में, जैसे कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये सब कुछ पाया जाता है। जो ऑयल है वो नाइजीरिया, लीबिया, एंगोला, सो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे बॉक्साइट यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। सो लीडिंग प्रोड्यूसर यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है, इसके साथ गोल्ड, डायमंड, आयरन और टीन, निकल, ये सब कुछ पाया जाता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नीश, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो काल गुरली और कुल काटी, सो यहाँ पे ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ये जो एरियाज है, यहाँ पे आपको गोल्ड की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मेनली यहाँ पे ये जो एरियाज हैं, ये कैसे याद होंगे, जब तक आप इन्हें मैप के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज में क्या क्या पाया जाता है, तब तक ये याद नहीं होने वाले। ठीक है, सो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिख देना, ज्यादा यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 8th क्लास के अकॉर्डिंग, अगर आप 8th के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे मैं यूपीएससी के लिए यहाँ पे कंप्लीट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्लास 1 से लेके 12 तक के सभी की जो प्लेलिस्ट है, आपको क्लास 8th की कंप्लीट प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप कोई भी क्लास 8th की वीडियो उठाओगे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट ओनली क्लास 8th की मिलेगी। क्लियर है? सो लास्ट वन इज एंटार्क्टिका। सो यहाँ पे बहुत मुश्किल है यहाँ पे जो मिनरल्स इनका यूज करना या इनको खोजना, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह, यहाँ पे अगर एंटार्क्टिका के ऊपर देखोगे तो बर्फ की परत जमी हुई है। सो इसलिए यहाँ पे इनको खोजना और यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो यहाँ पे जो कोल की यहाँ पे मात्रा देखने को मिलेगी वो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, और आयरन यहाँ पे जो प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है इसके पास आपको आयरन की यहाँ पे मात्रा देखने को मिलेगी जो ईस्ट एंटार्क्टिका में। इसके अलावा यहाँ पे आयरन और गोल्ड सिल्वर ऑयल ये भी यहाँ पे एंटार्क्टिका में पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन कॉपर बॉक्साइड यहाँ पे सिंबल्स लिखे हुए हैं कि आयरन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, कॉपर के लिए यहाँ पे दिस वन, बॉक्साइड के यहाँ पे दिस वन। यहाँ पे ये जो सिंबल्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि कौन कौन से कहाँ पे पाए जाते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे मिनरल ऑयल्स और कोल, यहाँ पे कोल के लिए दिस वन सिंबल एंड मिनरल ऑयल के लिए ये वाला सिंबल यहाँ पे मैप में गिवन है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए लास्ट टॉपिक यहाँ पे मूव करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इंडिया में बहुत सारी वैरायटी मिनरल्स की देखने को मिलेगी। छोटा नागपुर प्लेटू हो गया और इसके आसपास के जो एरियाज हैं यहाँ पे मिनरल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब यहाँ पे जो आयरन ओर, इंडिया का यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड लीडिंग जो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे आयरन ओर का देखने को मिलेगा। ठीक है, इंडिया में जो आयरन ओर है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे हाई ग्रेड उच्च क्वालिटी का जो आयरन ओर वो पाया जाता है। मेनली यहाँ पे जो एरियाज हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यहाँ पे आयरन ओर डिपॉजिट पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉक्साइड, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम से, यहाँ पे जो बॉक्साइड ओर होती है इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ पे जो मेजर बॉक्साइड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो मैप के ऊपर आप इन्हें बना लेना एक बार कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। आसानी से आप इन्हें लाइफ टाइम याद रख पाओगे। उसके बाद मीका, मीका यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करता है ये मीका पूरे विश्व में। ठीक है, इंडिया। मेनली यहाँ पे जो मीका का इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री में किया जाता है, जहाँ पे ये सामान बनाया जाता है। ये बिहार, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीज, यहाँ पे ये क्या है, लीडिंग प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। यहाँ पे कुछ एरिया स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। मेजर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु है। कॉपर, यहाँ पे कॉपर की कमी देखने को मिलेगी इंडिया में और इसे इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रियों से। मेनली यहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जाता है वो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। गोल्ड, गोल्ड की यहाँ पे जो लिमिटेड रिजर्व्स हैं गोल्ड के, मेनली ये जो कॉलर कर्नाटका में है वहां पे गोल्ड के जो डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं। साल्ट, ये समुन्द्र जो सी लेक्स रॉक्स, ठीक है, चट्टानों में भी ये पाए जाते हैं जो सॉल्ट होते हैं। इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स यहाँ पे माना जाता है सॉल्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पे लास्ट यूज ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का इस्तेमाल, मिनरल्स यहाँ पे मेनली बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे कॉपर यहाँ पे जो मेटल है इसे क्वाइन से लेके पाइप्स, यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं इसे बनाने के लिए कॉपर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन, यहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट से तैयार की जाती है और से इसे ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, किचन कुकवेयर, ठीक है, जो होते हैं खाना पकाने के लिए बर्तन, इनमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ आपकी बुक में जैसे लिखे हुए हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज दी हुई है, यहाँ पे 250 से भी ज्यादा मिनरल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। इनमें से यहाँ पे सिर्फ 100 ही यहाँ पे और मिनरल्स को कंसीडर किया गया है। यहाँ पे जो सोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है खाने में, और जो ग्रेफाइट जो आपकी जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उसके आगे जो ब्लैक कलर की निब होती है, ठीक है, इसे यहाँ पे इन्हें भी मिनरल्स कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो ग्रीन डायमंड होता है ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल से पाया जाता है। और सबसे जो पुरानी रॉक्स होती है, रॉक्स हैं पूरे विश्व में, वो कहाँ पे है, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये 43 मिलियन ईयर्स एगो यहाँ पे बनी थी। ठीक
है, मतलब 430 करोड़ साल पहले ये बनी थी, और ये जब धरती बनी थी उसके 30 करोड़ साल के बाद ये मिलके बनी थी, जो ये चट्टानी है, रॉक्स हैं। सो आई होप आपको पार्ट नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। सो पार्ट नंबर टू में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में देखेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है डिटेल में नोट्स के साथ देखेंगे। सो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना, यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।